जैन फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे साउथर्न रेलवे चेन्नई स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट 2021 का जो है ट्रायल का डेट आ चुका है और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी। तो साथ ही में हम देखेंगे इस रिक्रूटमेंट में जो है 21 वैकेंसी थी और यहाँ पर सिक्स गेम्स थे, मतलब सिक्स डिसिप्लिन में वैकेंसी थी ये, और ऑफलाइन फॉर्म था। और जैसा आपने थंबनेल देखा है तो आज इस वीडियो में मैं आपको एलिजिबल लिस्ट बताऊंगा और जिनका इनएलिजिबल लिस्ट में भी नाम है वो भी बताऊंगा और एडमिट कार्ड आपको कहाँ मिलेगा वो भी बता दूंगा। तो तीन चीज़ हम इस वीडियो में देखेंगे, तो लास्ट तक मेरे साथ बने रहना। और मेरे भाई और मेरी बहन जितने भी इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत, क्योंकि जितने भी वीडियोज़ है स्पोर्ट्स कोटा के होते हैं, छोटी छोटी अपडेट, एडमिट कार्ड, रिजेक्ट लिस्ट, एलिजिबल लिस्ट, फाइनल लिस्ट, तो और नोटिफिकेशन का भी वीडियोस भी आ जाता है। तो साथ में जुड़े रहोगे तो हर चीज़ की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी, ठीक है। तो हम अभी देखेंगे यहाँ पर पावर लिफ्टिंग मेंस और क्रिकेट वुमेंस इन दोनों का एक ही डेट में ट्रायल है, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक ही डेट में है। रेलवे स्टेडियम में जाना है चेन्नई में और 22 तारीख को आपका जो है ट्रायल रहेगा, फरवरी में, इसी महीने में ट्रायल है। और बास्केटबॉल मेंस वुमेंस का 23 को है और उसके बाद में जो वॉलीबॉल मेंस वुमेंस उनका 24 को है, रेलवे स्टेडियम में ही है और सुबह में 8 बजे है। और स्विमिंग एथलेटिक मेंस वुमेंस इनका जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम चेन्नई इनका 25 को है। तो यहाँ पर 8 बजे टाइमिंग दिया है आपको, एक घंटा पहले मतलब 7 बजे तक आपको वहाँ पर पहुँचना है, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका शेड्यूल कि आपको किस डेट पे किसका ट्रायल रहेगा। अब यहाँ पर एलिजिबल लिस्ट भी है इसके नीचे में, देखो ये कॉल लेटर है, आप जब डाउनलोड करोगे कॉल लेटर ऑफिशियल वेबसाइट से रेलवेज़ की, साउथर्न रेलवेज़ की, तो आपको इस तरह एक कॉल लेटर मिल जाएगा, ठीक है, ये साथ में ले जाना है। अब ये कॉल लेटर पे यहाँ पर फ़ोटो पेस्ट करनी है, यहाँ फ़ोटो पेस्ट करनी है, ठीक है, और यहाँ पर आपका नाम लिख के रहेगा, जैसा ये सूर्या पी इनका एडमिट कार्ड है, डाउनलोड किया था मैंने एग्जांपल बताने के लिए। और यहाँ पर एड्रेस भी लिखा रहेगा आपका और इसमें डेट और आपका डिसिप्लिन लिखा रहेगा। देखो जैसा इनका बास्केटबॉल मेंस डिसिप्लिन है, लेवल 2 के लिए अप्लाई किया था इन्होंने, 2-5, ठीक है। तो इनकी डेट भी दी है यहाँ पर, सुबह में टाइम दिया 8 बजे, 23 फरवरी, ठीक है। यहाँ कहाँ आना है वो भी लिखा है, साथ में क्या लेकर आना है वो भी इस एडमिट कार्ड में लिखा है आपको, ठीक। साथ में आपको पासपोर्ट फ़ोटो ले जाना है आपके और कॉल लेटर भी ले जाना है, ये 3 पासपोर्ट फ़ोटो ले जानी है, ठीक है, करंट रिसेंट वाली, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में पूरे ले जाना है, एजुकेशन के, डेट ऑफ बर्थ, कास्ट सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट, ठीक है। और आपका प्लेइंग किट भी जो है आपको ही साथ में ले जाना है, वो वहाँ पर कोई प्रोवाइड करके नहीं देंगे आपको, प्लेइंग किट आपका खुद का ही रहेगा। और यहाँ पर याद रखना, अगर आप साथ में आपका कम्युनिटी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं ले जाते हो तो आपको वो ट्रायल में पार्टिसिपेट करने नहीं देंगे, बाहर कर देंगे। तो सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल साथ में लेकर जाना अच्छे से। और अभी इसके नीचे में जो ये एलिजिबल लिस्ट है, जिनका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है और जिनको बुलाया है, ये एलिजिबल लिस्ट है, यही जो नाम आपने दिया था फॉर्म में, यहाँ पर ये नेम है आपका और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है, इसी से आप जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। आपको एप्लीकेशन नंबर डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ डाल दोगे आप इस लिस्ट में, देख लेना आपका नाम कैसा है, उसी तरह आपने ऑनलाइन में आपका नाम डाल के आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। अब यहाँ पर कैंडिडेट कितने एलिजिबल हुए, यहाँ पे 74 कैंडिडेट जो है एलिजिबल हुए ट्रायल्स के लिए। अभी फॉर्म कितने लोगों ने अप्लाई किया था, 507 लोगों ने अप्लाई किया था फॉर्म 500, तो बाकी लोगों का जो है इसमें से फॉर्म रिजेक्ट हो गया। अभी जिनका रिजेक्ट हुआ है उसका नीचे में लिस्ट है, ये देखो, ये लिस्ट ऑफ इन एलिजिबल कैंडिडेट्स जो एलिजिबल नहीं हुए अभी। यहाँ पर जैसा भी कुछ देख सकते हो क्यों एलिजिबल नहीं हुए, ये अभी इनका रीज़न दिया है, ओवर एज, नो स्पोर्ट्स नॉर्म्स, ठीक है। अभी यहाँ पे नो स्पोर्ट्स नॉर्म, ये ओवर एज हो गए थे एक जन। अभी इसमें बहुत सारे लोगों ने कुछ गलतियाँ भी की है, ठीक है। देखो यहाँ पर एक भाई ने, देखो श्रीराम भाई ने गेम नोटिफाइड नहीं किया था इन्होंने, ठीक है। अभी इनका देखिएगा, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन
स्पोर्ट्स नॉट मेंशन, तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। तो ये चीज़ देखो, आप देख करके फॉर्म फिल करोगे वीडियोस तो अच्छे से आप फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर रीज़न दिए है, तो अभी पूरी लिस्ट तो नहीं पढ़ सकता मैं क्योंकि ये बहुत लंबी लिस्ट है। अभी मैं आपको लास्ट में बता देता हूँ कि देखो अभी ये जो ये लास्ट का लिस्ट जो है ये लेट पहुँचा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म है, जिनका डेट के बाद में पहुँचा है। तो देखो 426 जो एप्लीकेशन फॉर्म है, सॉरी 433 कैंडिडेट का जो है फॉर्म रिजेक्ट हुआ है ना। तो आप जब भी फॉर्म फिल करते हो तो थोड़ा ध्यान देकर नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ करके फॉर्म फिल करिएगा, क्योंकि ऑफलाइन फॉर्म में क्या होता है, हम फॉर्म फिल करते गड़बड़ में डेट ख़त्म हो जाएगा, जल्दी जल्दी में फॉर्म भर देते तो कुछ डॉक्यूमेंट भूल जाता है, कभी इंसान कुछ फिल करना भूल जाता है, इसी तरह फॉर्म क्या है जो रिजेक्ट हो जाता है। अभी देखिए बहुत लार्ज नंबर है यहाँ पर रिजेक्ट होने का, 433, और एक्सेप्ट कितने हुए फॉर्म, 74। तो स्पोर्ट्स कोटा में इसलिए तो बहुत जल्दी जॉब मिल जाता है लोगों को, क्योंकि फॉर्म अभी इसमें जो ये 433 में से अच्छे मेडलिस्ट लोग होंगे जो का नाम आने ही आने हैं, पर अब फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो कुछ नहीं कर सकते, है ना। अभी हम देखेंगे वैकेंसी कितना था, यहाँ तो वैकेंसी 21 वैकेंसी था टोटल। अभी एथलेटिक मेंस में 2 वैकेंसी था, वुमेंस में 2, और बास्केटबॉल मेंस में 4, बास्केटबॉल वुमेंस में 3, क्रिकेट वुमेंस में 3, और पावर लिफ्टिंग में 1 वैकेंसी था, स्विमिंग में 1, और वॉलीबॉल में 2, वॉलीबॉल वुमेंस में 3, ऐसी टोटल 21 वैकेंसी थी। तो इस आप ये पूरा पीडीएफ मैंने मर्ज किया है, मतलब एकदम एक ही इसमें डाल करके पूरा आपको वीडियो बताने में, थोड़ा वीडियो बना कर में बताने में ईजी जाएगा, इसलिए मैंने एक ही इसमें कर दिया है सब, कॉल लेटर, एलिजिबल लिस्ट, रिजेक्ट लिस्ट, ठीक है, नोटिफिकेशन, ये सब मैंने एक में कर करके आपको बता रहा हूँ मैं, ताकि मुझे आपको समझाने में आसानी जाए। अभी यहाँ पर देखो आपको डाउनलोड कैसे करना है फॉर्म, जैसे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में तो आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे, सिक्कू स्पोर्ट्स की वेबसाइट पे आ जाओगे। हमेशा कोई भी लिंक दूंगा तो इसी वेबसाइट पे आओगे आप, क्योंकि इसी वेबसाइट पे आपको स्पोर्ट्स कोटा की रिक्रूटमेंट्स की जानकारी समय पर मिलती रहेगी। तो आपको ऐसा इंटरफेस सामने दिखने के बाद आपने एकदम से नीचे में आना है, नीचे में आओगे तो इम्पोर्टेंट लिंक्स लिख करके रहेगा, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। अब ये ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन में हो जाओगे आप। अब एडमिट कार्ड यहाँ पर से मिल जाएगा आपको दूसरे नंबर पे, डाउनलोड कॉल लेटर फॉर ट्रायल्स एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यहाँ से आपको आपका कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको शेड्यूल चेक करना है तो यहाँ पे आप तीसरे नंबर पे क्लिक करना, डाउनलोड शेड्यूल ट्रायल डेट, तो यहाँ पर शेड्यूल मिल जाएगा जो मैंने पहले पेज पर ही पढ़ा था। अब इसके बाद एलिजिबल लिस्ट आपको यहाँ से मिल जाएगी उसके बाद में, और उसके चौथे नंबर पे जो है एलिजिबल लिस्ट, अभी पाँचवें नंबर पे, यहाँ पर फिफ्थ पे आपको इन एलिजिबल लिस्ट, जो लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है जिनका रिजेक्ट में नाम है, तो यहाँ से आप डाउनलोड कैसे करना है, देखो डाउनलोड पे क्लिक, यहाँ पे क्लिक कर रहा है, क्लिक हियर पे दबाने के बाद आप सीधा यहाँ पर आओगे, ठीक है, इस वेबसाइट पे आओगे, डायरेक्ट आपको यहाँ पर ऐसे दिख जाएगा साउथ सेंट्रल रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, है ना। यहाँ दिखने के बाद आपने क्या करना है, इसको ये ऐसा सामने आपके नेम दिखा रहेगा, नेम और डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर आपका नेम डालना, जैसा लिस्ट में नाम है वही स्पेलिंग, गड़बड़ मत करना, वही स्पेलिंग डालना, वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना और सबमिट करना। सबमिट करोगे तो जो मैंने आपको एडमिट कार्ड बताया था उसी तरह आपको एडमिट कार्ड आएगा, सेम उसी तरह आएगा, कोई चेंजेस नहीं रहेंगी, सेम सिर्फ वहाँ पर नाम चेंज रहेगा, आपका नाम लिखा रहेगा, आपका एड्रेस रहेगा, आपका गेम का डिसिप्लिन रहेगा और डेट चेंज रहेगी, ठीक है। स्टेडियम का नाम एक रहेगा, चेन्नई में जाना है सभी को, और फ़ोटो भी सभी को, डॉक्यूमेंट भी साथ में सभी को ले जाना है। तो अभी आपको समझ में आ गया कि किस तरह आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। ये तो डाउनलोड हो गया आपका एडमिट कार्ड। अब जिन लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उन लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में देखो मैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ जो होता है, नॉर्मल वैकेंसी, स्पोर्ट्स कोटा, सभी इसी में ही आता है। ऐसा नहीं कि मैं अलग से कहीं और से इन्फॉर्मेशन लेता हूँ, कहीं से नहीं लेता हूँ, मैं
ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ को फॉलो करता हूँ, यहीं से मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना, इसी में मैं आपको सारी अपडेट देता हूँ। जो नया वीडियोस आया है उसका भी यहीं पे देता हूँ, और जो वैकेंसी आई है छोटी छोटी अपडेट जैसा कॉल लेटर, रिजेक्ट लिस्ट या रिज़ल्ट, किसी का फाइनल लिस्ट, या कभी कैंसिल हो जाती है वैकेंसी, तो सारी चीज़ें मैं इस ग्रुप में आपको अपडेट करते रहता हूँ। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है मैंने, वहाँ से जा कर के आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में।